तो दोस्तों इंडिया के अंदर Redmi Note 10 Pro को लेकर काफी लॉन्ग टाइम से स्पेसिफिकेशन लीक्स हो रही हैं और दोस्तों अब इस स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर काफी सारी जगह पर सपोर्ट कर दिया गया है, जैसे कि BIS सर्टिफिकेशन 91mobile.com वेबसाइट पर इसकी फुल स्पेसिफिकेशन ऑफिशियली कन्फर्म हो गई है और दोस्तों अब इसकी लॉन्च डेट भी काफी नजदीक है। तो दोस्तों ये डिवाइस आपको इंडिया के अंदर एक बजट 5G स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला Redmi Note 10 Pro की फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगी, सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि फुल HD प्लस रेजुलेशन के साथ आने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों नो डाउट यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को डेफिनेटली मिलेगा और इसी के साथ यहाँ पर आपको 120Hz का हाई रेफ्रेश रेट एंड एक सिंगल पंचोल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नो डाउट यहाँ पर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 765G का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि दोस्तों डुअल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये प्रोसेसर एक गेमिंग प्रोसेसर है, तो नो डाउट यहाँ पर आपको गेमिंग में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर आने वाला है, जो कि MIUI 13 पर रन करेगा। इसके रैम वेरिएंट के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB 128GB एंड 8GB 128GB एंड 8GB 256GB। दोस्तों इस डिवाइस के अंदर आपको परफॉर्मेंस क्वालिटी भी बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको रियर साइड में स्क्वायर शेप के अंदर पेंटा रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। और इसका प्राइमरी सेंसर आपको 108MP का देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक टेलीफोटो लेंस एंड एक डेप्थ सेंसर एंड एक माइक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस फोन का कैमरा रियली में बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाला है। सेल्फी कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 44MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर दोस्तों इसकी बैटरी के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की पावरफुल बिग बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 65W के सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ इन द बॉक्स देखने को आने वाली है। इसी के साथ यहाँ पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक एंड टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी भी बहुत ही पावरफुल देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों इस फोन के फर्स्ट वेरिएंट यानी कि 6GB 128GB की इंडियन मार्केट में प्राइस रहने वाली है अप्रोक्स 20,000 की रेंज में। जी हाँ दोस्तों, ये डिवाइस आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ लगभग 20,000 रुपए की प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल कीप सपोर्टिंग।